नमस्ते इंडिया, सलाम आदावर्ज, सत श्री अकाल, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज फराज खान और मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ. आज जो हमारा प्रोडक्ट है प्रोबायोटिक, उसके ऊपर वो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोबायोटिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के अंदर जो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उसका खाना है, और वो फाइबर जो हमें चाहिए जो हमारे शरीर के लिए, हमारे हमारे जीवन के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर हम हमारे शरीर के जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे कीड़े हैं जो हमारे शरीर के अंदर, वो कीड़ों को अपना खाना नहीं मिलता, और ये ट्रिलियंस होते हैं, काफ़ी बड़े नंबर्स में होते हैं, और इनको अपना फाइबर लगता है, उनको अपना खाना लगता है. और जैसे हमारे पुराने एंसेस्ट्रल जो हमारे जितने भी पूर्वज हैं थे, वो बेसिकली हम फर्मेंटेड, जैसे हम अचार, जैसे दही और ये सारी चीज़ें जो खा के हमारे शरीर के अंदर एक गुड बैक्टीरिया का जो मिश्रण रखते थे, आज की तारीख में कहाँ वो खो गया. और वही चीज़ को हमारी बॉडी में बेहतर करने के लिए हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर काफ़ी विज्ञान रिसर्च और काफ़ी इंस्टीट्यूशन से उसका इंफॉर्मेशन है. पर उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूँ, उसके पहले मैं बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ. मैं काफ़ी साल से मैं अपने आप को एजुकेट कर रहा हूँ, और मैं ये अपना खुद का टेस्टिमोनियल प्रमोट कर रहा हूँ. और बेसिकली मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई बीमारी को ठीक कर सकता हूँ या कुछ. मैं बेसिकली सिर्फ एक न्यूट्रिशन जो मेरा एक टेस्टिमोनियल है उसके बारे में आपको शेयर करके आज बताने वाला हूँ. तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है हमारा आज का विषय. तो आज की तरह में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये काफ़ी चर्चे में रहता है कि काफ़ी लोग आज की तारीख में अपनी ज़िंदगी में एक जीवन जी रहे हैं जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन आम हो गया. क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल का जो खाना है, हमारे लाइफस्टाइल में जो ज़िंदगी में आज जो हम दवाइयाँ पे जी रहे हैं, तो ये क्या करता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनको उनका खाना नहीं मिल पाता है, और वो एंटीबायोटिक्स से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं. तो आपके शरीर में जितने वो कमज़ोर पड़ते हैं उतने आपके लिए वो दिक्कतदायक बन सकते हैं. तो आप अपने शरीर के अंदर इनको मारना चाहते हो या इनको जीवित रखना चाहते हो, क्योंकि इनके बिना आप भी जीवित नहीं रह पाओगे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इनके बारे में सोचना, इसलिए आपको उनका दोस्त बन के रहना पड़ेगा. अगर आप इनके दोस्त नहीं बनेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खमियाजा भुगत सकते हैं. तो उसके लिए, उससे बचने के लिए हम आपको एक प्रेजेंटेशन आज देने वाले हैं जो बेसिकली ये चीज़ों से आपको काफ़ी तरीके से बचा सकता है. तो आज समझते हैं कि हमारे जो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनका काम क्या होता है. उनका ये काम होता है कि वो आपके शरीर के अंदर विटामिन बनाते हैं, जितने भी विटामिन ए बी के जितने भी आपके शरीर के रिक्वायरमेंट होते हैं सारे आपके अंदर वो हेल्प करते हैं डेवलप करने के. उसके साथ आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. उसके साथ साथ आपके से दो ही जो विटामिन वो नहीं बना पाते, सूरज से जो आपको विटामिन डी मिलता है जो स्किन के थ्रू आता है, प्लस B3 जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है और आपके स्किन को टेक्सचर इम्प्रूवमेंट पे काम करता है. बाकी के हर एक विटामिन आपके शरीर में ये जीव जंतु की मदद से ही बन पाते हैं. अगर आप इनको उनका खाना नहीं दोगे तो आप समझ सकते हो आपकी बॉडी में आप कितना बड़ा खामियाजा भुगत सकते हैं. तो ये चीज़ समझने के लिए अगर आपको अपनी विटामिन की फैक्ट्री के लिए एक न्यूट्रिशन पावर हाउस बनाना है, तो आपको इनका जो फाइबर है, जो प्रोबायोटिक, जो NHT ग्लोबल के पास प्रोडक्ट है, जो मैं रोज़ इसका सेवन करता हूँ और मुझे इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लाभ पड़ा है, और मैं इस कंपनी को इसलिए इंडोर्स करता हूँ क्योंकि एज एन एंड यूज़र आज मैं कंपनी के साथ ग्रो किया हूँ, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट में क्वालिटी, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी है, और ये लेबोरेटरीज में बनते हैं और ये काफ़ी रिसर्च होने के बाद ये लोगों के बॉडी में डाला जाता है. क्योंकि बॉडी एक कॉम्प्लेक्स जगह है, आप कोई और कैसी भी चीज़ आपके शरीर में नहीं डाल सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हो. तो उसको समझने के लिए अगर जो फाइबर्स हैं ये प्रोबायोटिक्स से आते हैं, और ये प्रोबायोटिक्स इनका खाना बनते हैं, और इसलिए ये जीव जंतु जिंदा रहकर अपना काम काफ़ी अच्छी तरह कर सकते हैं. तो उसके साथ साथ आप अगर जितने भी इनके दोस्त हैं जो आपके बैक्टीरियाज हैं, ये ट्रिलियंस हैं, ये जीव जंतु ट्रिलियंस हैं आपके शरीर के अंदर मौजूद. अब इसके अंदर जो K2 होता है, जो हमारे कैल्शियम के डेवलपमेंट में होता है, जब ये बेसिकली डिपॉजिट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि कभी ये अलग एरियाज में चले जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की जगह कहाँ पे है, बोन्स में. तो ये अगर माइक्रोबायोन जिसको बोलते हैं ये जीव जंतु, अगर ये कोई भी एरिया का जो एरिया का जो फंक्शनिंग कैल्शियम नहीं है, तो वो उसको वहाँ पे उठा के वो बोन्स में उसको पहुँचा देते हैं जहाँ पे उसका काम बनता है. तो ये हर एक सिस्टम की फंक्शनिंग में काफ़ी लाभदायक बनते हैं. तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि इनको उनका आपका फाइबर और उनका खाना देना. ओके, इसके साथ साथ बायोटीन जो हेयर ग्रोथ और जितने भी आपके सेल ग्रोथ होते हैं, वो ये माइक्रोबायोन के कारण ही होते हैं. और ये बहुत ही एक ही स्ट्रीम जो है हमारे एक जीव जंतु, एक ही सिंगल एक
केवल वही बना पाता है और कोई नहीं बना पाता। तो अगर आप कोई बाहर से दवा भी लेते हैं या सप्लीमेंट भी लेते हैं, ठीक है ना, और अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बराबर नहीं है, अगर आपको बायोटिन चाहिए और आपका शरीर वीक है, तो अगर आप वो टैबलेट लेते हैं तो कमजोर स्टमक की वजह से ये आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। क्योंकि कभी कभी वो सप्लीमेंट आपके लिए, क्योंकि क्या होता है, काफ़ी लोग यू नो शरीर के जो इनडाइजेशन की वजह से वो हजमा नहीं कर पाते हैं कोई सप्लीमेंट। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइक्रोबायोम को, जो बायोटिन पैदा करता है एक स्ट्रीम, उसको आप उसका खाना दीजिए, वरना आप उसके अंदर हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके साथ B12 जो है ये काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये आपके रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं जो आपके नियंत्रण पे काम करते हैं। उसके साथ साथ आपके न्यूरो सिस्टम, जो दिमाग की जो एक गाबा, जो एक ट्रांसमीटर का जो बोलते ना, जो एंटी, जो लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और काफ़ी चिंतित लोग रहते हैं जिनकी सोच विचार में काफ़ी यू नो डिप्रेशन, लो स्विंग मूड्स, ये सब के लिए प्रोबायोटिक काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि ये शरीर को यू नो अच्छी तरीके से रिलैक्स करता है। तो ये जो जीव जंतु हैं, जैसे आप एक गाय देखते हो, गाय के ऊपर आप बहुत सारी जो ये पक्षी आप देख रहे हैं, ये अपना खाना खा रहे हैं और वही चीज़ से उनका भी खाना बन रहा है, और उससे साथ साथ वो जो जीव जंतु जो वो भैंस के ऊपर हैं वो भी मर रहे हैं, तो उसमें भैंस का भी फायदा हो रहा है, जो पक्षी हैं उनको अपना खाना मिल रहा है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ही जीव जंतु हैं जिनको अपना खाना चाहिए, और उसके साथ हमारी दोस्ती ये है कि वो हमारे शरीर में रहते हैं और आप उनको खाना देंगे उनका, तो आपका हर फायदा, वो आपको डबल फायदा पहुँचाएंगे। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप अपने शरीर के साथ क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम अपने शरीर के अंदर जो हिसाब से एंटीबायोटिक्स हैं, जो हिसाब से हम हमारे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक्स से जी रहे हैं, और जो लोग काफ़ी लंबे समय से मेडिकेशन में हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी बनता है कि आप प्रोबायोटिक के ऊपर जल्द से जल्द आएँ, क्योंकि आपकी जो न्यूट्रिशंस हैं काफ़ी डेफिशिएंसी में चले जाते हैं। अगर आप स्टडी भी करेंगे, लॉट ऑफ पीपल जो लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशंस को न्यूट्रिशन यू नो डेफिशिएंसी है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक आपके गट हेल्थ को काफ़ी कमज़ोर कर देती है। तो आपके जो मेन प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे जो मशीनरी है, जहाँ पे काम हो रहा है, वही जगह अगर तकलीफ में होगी तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना वो नुकसान हो सकता है। तो ये सारे जो दोस्त हैं आपके, इनके ऊपर आप हेल्प करेंगे, क्योंकि माइक्रोबायोन जो है ये आपके सिस्टम को हेल्प करते हैं, और ये बेसिकली आपके इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, आपके डाइजेशन को फाइबर देते हैं, ये आपके जो लैक्टिक एसिड्स हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, जो माइक्रोबायोन के लिए एक्टिवेशन रहते हैं, ये इनके लिए खाना बनते हैं। उसके साथ साथ ये रिसाइकिल में काम आते हैं, जो चीज़ डिसफंक्शन है उसको रिसाइकिल करते हैं, प्लस आपको डिटॉक्स में काम आते हैं, जो गंदे टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी आपके शरीर में, ये प्रोबायोटिक आपको काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको डिटॉक्स करने में मदद कर पाते हैं, और ये अपने माइक्रोबायोन उसको एक्टिव करके उनको अपना काम करने देते हैं, और जो माइक्रोबायोन जो आपके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये उस पर उनको एक्टिवेशन में डालते हैं। उसके साथ साथ आपको एंटी ऑक्सीडेंट्स भी देते हैं, क्योंकि ये जो आपका होल बॉडी का जो सर्किट है उसमें बहुत सारे एटम्स हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये अनपेयर हो जाते हैं तो आपके शरीर का जो नियंत्रण है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और उसके कारण आपकी बॉडी काफ़ी अफेक्ट हो सकती है फ्री रेडिकल से और बड़े जीव जंतु, जो आपके बॉडी को डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आप अपने शरीर के बारे में आज की तारीख में जो हिसाब से लोग को, हम आज दुनिया में हर एक इंसान किस तरीके से न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ रहा है, समझ रहा है, और डेफिशिएंसी देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, जो दिमाग के जो सेरोटोनिन होती है, जो दिमाग के जो यू नो रिलैक्सेशन, और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जितने भी आप देखते हैं 90% रिक्वायरमेंट, ये सब आपके जीव जंतु के काम है। ये जीव जंतु को आप जितना दोगे, इसके बारे में आप जितना स्टडी करो, आप जितना आप इसके ऊपर रिसर्च करो, आपके ऊपर और आपको प्रकाश मिला कि ये प्रोबायोटिक्स कितना आपके लिए लाभदायक है। ये $1 बिलियन इंडस्ट्री, और एनएचटी ग्लोबल ऐसा एक प्रोडक्ट आपके लिए इंडिया में लाई है, जो कोरिया से बना हुआ है और काफ़ी ऑर्गेनिकली सोर्स्ड है, और इसके काफ़ी जो सर्टिफिकेशंस हैं कोरिया गवर्नमेंट से, प्लस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हैं, प्लस दुनिया भर में इसकी स्टडी होने के बावजूद उसके बाद ये प्रोडक्ट दुनिया भर में गया है, 50 देशों में ये टॉप सेलिंग बन चुका है। और आज की तारीख में जो लोग फॉर्मेटेड, जो हम अचार खाते थे, जो पुराने ज़माने के जो ख्याल के लोग थे, दही और जो खुद की गाय घर में होती थी, दूध जो बिना इंजेक्शन वाला होता था, जब जाके वो चीज़ें अच्छी होती थी, पर आज जो मार्केट से है हम लाते हैं, हमें पता है हम क्या ला रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको पता है वो दूसरा विषय है, आप खुद समझ सकते हो, आप खुद रिसर्च कर सकते हो, आप खुद अकलमंद हो। तो आज की तारीख में हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही जो हमारे जो अंदर के जीव जंतु को चाहिए,
तो उसमें क्या होगा, जो किमची है जो एक कोरिया का एक डिश है जो रेड कैबिश बोलते हैं, उसमें उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया जैसे हमारे अचार होते थे वो अच्छी चीज़ थी, जो दही होती थी पुराने ज़माने के मट्ठा होता था, ये सारी चीज़ें काफ़ी गुड बैक्टीरियाज के बेनिफिशियल था। पर आज के टाइम में डेयरी प्रोडक्ट एक चिंता का विषय हो गया। तो प्रोबायोटिक एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपके हेल्थ के बेनिफिशियल के लिए बनाया गया है, ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम और आपके टोटल मेटाबॉलिज्म के लिए है, और ये बेसिकली आपकी जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं, ये एंजाइम आपके खाने को ब्रेक करके रिड्यूस करके, जितने भी ये फ्लोरा जो रिक्वायरमेंट रहता है, जो प्रमोशन ऑफ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, जो 70% और 30% की बैलेंस में रहते हैं, अगर 1% भी इधर उधर हो गया तो शरीर में वो काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो ये 1 ट्रिलियन जीव जंतु हैं जो आपके शरीर में आपके दोस्त हैं, ये आपके आइडल बैलेंस के, आपके शरीर के नियंत्रण को बिग रोल के लिए, एक हेल्थ फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, वाइटामिन के लिए, इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ के लिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आज की तारीख में आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने ये चीज़ इग्नोर कर दी तो आप अपने पूरा जो बॉडी का जो सिस्टम है आप उसको अपसेट कर सकते हो और आप अपने सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हो। तो ये चीज़ आप अपना जितने लोगों को जितना आप सोचते हो कि आज की तारीख में जितने भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, डिस्कम्फर्ट्स, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, अपसेट स्टमक, ये जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज जो आज की तारीख में टॉक्सिन्स बन रहे हैं क्योंकि वो उनको अपना खाना नहीं मिल रहा है, वो और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें डिक्लाइन हो रही है, डैमेज हो रही है, और वो पोअर लाइफ स्टाइल के साथ, ये सिस्टम के साथ हमारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्शन है, हम जो एनएचटी ग्लोबल का जो प्रोडक्ट हमने बनाया है जो काफ़ी स्टडीड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, ये कोरिया बेस्ड है, और इसके अंदर जितने भी आप अगर आप स्टडी करते हैं कि इसके अंदर जो सर्टिफिकेशंस हैं, इसके अंदर एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो ली गई है, जो बेसिकली आपके प्रोबायोटिक को अंदर 90% पहुँचाने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो कोड्रैपल है एक प्रॉपर एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो एनएसटी ग्लोबल के पास है, और ये कोरियन गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया है। ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप पाउडर हमारा जो एक सैशे आता है जो बेसिकली आप अपने शरीर के अंदर, आपको मैं बताना चाहूँगा कैसे दिखता है, ये बेसिकली इस तरीके से होता है, और ये बेसिकली हम स्ट्रिप ओपन करते हैं और सोने से पहले मैं लेता हूँ नॉर्मली, क्योंकि वही टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये आपके स्लीप को काफ़ी रिलैक्सेशन, आपके ओवरऑल बॉडी, आपके खाना पचाने में, हर चीज़ में काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं। 90% जो इसमें जो टेक्नोलॉजी दी गई है वो प्रोडक्ट आपको 90% आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, वो शरीर का पावर हाउस है, अगर ये जगह पे पहुंच जाता है 90% का, तो आप अपने शरीर को किस तरीके से और किस तरीके से आप उसको इनहेंस कर सकते हो अपनी हेल्थ को। तो ये जो टेक्नोलॉजी एनएचटी ग्लोबल ने आज इंडिया में लाई है, 10 बिलियन काउंट ऑफ गुड बैक्टीरिया है जो आपके शरीर का फाइबर बनता है, जो आपके जीव जंतु के लिए खाना बनता है, और ये जो टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने शरीर की जो इनडाइजेशन से लेकर हर एक दिक्कत, विटामिन्स के प्रोडक्शन से लेकर इम्यूनिटी के बूस्ट से लेकर हेयर ग्रोथ से लेकर सेल डेवलपमेंट से लेकर डिप्रेशन एंग्जाइटी से लेकर हर एक विषय के ऊपर ये काम कर सकता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, या कितना लोगों के सामने स्टडी नहीं किया गया है। तो पीपल, आप उनको ये ज्ञान दीजिए, आप उनको ये नॉलेज दीजिए कि ये प्रोडक्ट लैक्टोबैसिलस जो टेक्नोलॉजी है, इसके बेनिफिट्स, ये जो मैं आपके सामने जो डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये सारे सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट्स के हैं, आप जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं हमारा कितना ऑथेंटिक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ओपन एंड वेरी क्लीन, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारा जाए, क्योंकि शरीर एक कॉम्प्लेक्स जगह है, आप कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सर्टिफिकेशंस हैं, इसके जो नंबर्स हैं, आप उसको चेक करिए, क्योंकि जो बेनिफिट ऑफ हमारे जो प्रोडक्ट हैं, 99% आपके न्यूट्रिशन को, आपके गट जो दिमाग, दूसरा दिमाग होता है शरीर का, ये उसके लिए काम आता है, 80% जो टॉक्सिन्स हैं उसको एलिमिनेट करने में ये 100% क्षमता रखता है, 70% आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत लाभदायक है। तो हमारे 8 स्ट्रीम ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक्स हैं, और ये जो प्रोबायोटिक्स हैं हमारे, इसकी साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी रिसर्च किया गया है, और ये जो इसके साथ जो बेनिफिट्स आपको आते हैं वो तो आप सोचेंगे तो आप बोलेंगे वाह ये क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रिप में जो मैंने आपको बताया उसमें 10 बिलियन काउंट होता है, इसमें 8 यूनिक स्ट्रीम्स ऑफ प्रोबायोटिक्स हैं, और ये पैक्ड अप हैं साइंस से, इसका प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है कोरिया से, और खिमची जो एक मैंने बताया एक ट्रेडिशनल फूड है कोरिया का, उसके स्टडी के बेस के ऊपर जो गुड बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है, जो फाइबर बनता है आपके जीव जंतु के लिए जिसको माइक्रोबायोन कहते हैं, ये उसके ऊपर काम करता है।
ये बेसिकली एक लैक्टोबैसिलस जो एक प्रॉपर फाउंडेशन फूड बनता है जो फैमिली का है उनका, ये बेसिकली काफी लाभदायक होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 50 अलग जीव जंतु की जो ट्राइब्स होती हैं, अलग अलग कबीले हैं इनके, आप अलग अलग इनके काम के फंक्शन हैं। तो ये जब इनको एज टीम्स पे काम करता है जो 10 बिलियन काउंट करता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके माइक्रोबायोन का दोस्त बन के आपका, कैसे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जब आप लेते हो, प्रीमियम भरते रहते हो और आपके जीवन तक वो चलता रहता है, वैसे ये आपका लैक्टोबैसिलस, ये आपको इसको दोस्त बना देना है आपके शरीर का, जो आपके प्रोबायोटिक एनिस्टी ग्लोबिन हमने आपको दिया है जो स्ट्रीम ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स की, क्योंकि ये आपके पैथोजन जितने भी बॉडी के अंदर डिफिशेंसीज हैं वाइटमिन की हैं, इन्फ्लेमेशन है, शुगर के बैलेंस, जो शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए है। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये स्ट्रॉन्गर, रेजिलेंट और आपको स्टेबल और आपकी बॉडी को यूनिक स्ट्रीम्स से हेल्थ प्रोडक्शन देता है। तो ये आप अगर आप स्टडी करते हो इंटेस्टाइनल डेफिशिएंसी, आपके जो इन्फ्लेमेशन हैं बॉडी के, लैक्टोबैसिलस इज वन ऑफ द यूनिक फॉर्मुलेशन जो प्रोबायोटिक के अंदर डाला गया है, वो आपको काफ़ी लाभदायक है। और लैक्टोबैसिलस के बारे में अगर आप स्टडी करें, जो ये लैक्टोबैसिलस है ये काफ़ी हाई स्ट्रीम ऑफ प्रोबायोटिक है और ये हार्मफुल बैक्टीरिया को 80% एलिमिनेट करता है और ये टॉक्सिन्स और आपकी डिस्कम्फर्ट को। तो अगर आप इसकी स्टडीज करोगे, एलर्जी जो स्किन की होती हैं या यूटीआई प्रॉब्लम होते हैं, जो वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं औरतों को, ये कॉन्स्टिपेशन से लोगों को, जो इरेगुलर जो टाइमिंग है स्टूल की, जो वॉशरूम जाने के लिए दिक्कत आती है, और आर्थराइटिस एंड लिवर डिजीजेस और काफ़ी इस पे क्रॉनिक डिजीजेस हैं, काफ़ी विषय पे हम बात कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं सर, जितना आप पढ़ोगे, जितना आप रिसर्च करोगे, आप खुद अचंभे में हो जाओगे कि बॉस ये प्रोबायोटिक हमें अब तक नहीं पता था कि ये कितना लाभदायक है। तो गाइज ये आपके लिए है कि ये जो कोलन कैंसर होता है, जो मैंने बताया आपको, जो 70% और 30% का हमारा गुड एंड बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है, अगर ये थोड़ा भी छेड़छाड़ इधर उधर हो जाए शरीर के अंदर, 1% भी इधर उधर, तो आप सोच सकते हैं ये आपके शरीर में बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है। जो हमारे गट जो हथड़ियाँ होती है उसके अंदर लीक होता है और उसके अंदर जो खाना है वो लीक होता है, तो वो इन्फ्लेमेशन और जितने भी आपके जो गंदगी है वो इधर उधर फैल के आपको बहुत दिक्कत दे सकते हैं। जो गंदगी से जो हमारे जो कैंसर सेल्स बनते हैं उससे भी आप बच सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में आप खुद जानते हो, आप अपने शरीर के अंदर खाने के नाम पे, अनाज के नाम पे और सब्जियों के नाम पे, फ्रूट के नाम पे हम क्या डालते हैं, आज हमें खुद पता है। उसके लिए तो हमें कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार है, आप खुद अकलमंद है। तो ये एनएचटी ग्लोबल के प्रोडक्ट्स हैं, 10 बिलियन का एक स्ट्रिप में आपको मिलता है बेनिफिट, 90% आपके शरीर के अंदर पहुंचता है, आपके शरीर का जो पावर हाउस है जिसको इम्यूनिटी का घर बोला जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये आपको फैसिलिट करता है कि आप अपने मैक्सिमम न्यूट्रिशंस का बॉडी में प्रमोशन कर सकें। ये मेंटेन करता है ऑप्टिमल फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ये कोरिया बेस्ड के जो KHS सर्टिफिकेशन से है, क्वालिटी सेफ्टी से स्टडीड है, बॉडी कॉम्प्लेक्स जगह है, तो आप कुछ भी मत ट्राई करिए, जो प्रॉपर स्टडी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ही आप विश्वास रखें। बिकॉज क्या होता है कि शरीर में कभी कोई गलती से कोई गलत चीज़ पहुंच गई तो वो आपके लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। तो गाइस ये मेरा प्रेजेंटेशन था प्रोबायोटिक के बारे में, मैंने जितना हो सके आपको प्रकाश देने की कोशिश करिए। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए और आपको इन्फॉर्मेशन लगता है तो आप प्लीज़ हमारे संपर्क में आए। मेरा नाम सुफराज खान है, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, डायरेक्टर रैंक हूँ एनएचटी ग्लोबल का, एंड मैंने जितना भी जस्टिस कर हो सका मैं करा हूँ एनएचटी ग्लोबल के जो प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है तो यू कैन गेट इन टच विद मी, आई विल पैश माई नंबर डाउन एंड वी कैन बी इन टच। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू मी, एंड गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।